जो हमारे जो नमस्कार दोस्तों, मंच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं और फिर करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। जैसा आप जानते हैं, नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं शहर के अंदर और नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं कस्बों में, और हर पार्टी अपना आंकड़ा लेकर चल रही है। हर पार्टी जीत का दावा सुनिश्चित कर रही है। हर पार्टी अपने जाति के आधार पर और वोटरों के आधार पर अपने जीत और हार का अंक गणित लगा रही है। उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक मौजूद हैं, सीपी चक्रवर्ती जी। उनसे हम जानेंगे, बहुत विद्वान और इस मामले में बहुत परख रखने वाले व्यक्ति हैं, जो बताएंगे क्या चार दिन शेष रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा और चार दिन में क्या आपका क्या आकलन है। हाँ जी, बात सही है कि 26 तारीख को वोटिंग होनी है और ये सेकंड चरण की वोटिंग है, जिसमें मथुरा समूचे जनपद में ये वोट पड़ेंगे। तो यहाँ जो मथुरा नगर निगम है और कोशी नगर पालिका है, इसके अलावा 12 नगर पंचायतें हैं जिनमें एक साथ वोट पड़ने हैं, उसकी प्रशासन ने तैयारी कर ली है। और रही बात राजनीति की, तो जो वोट हैं उसमें आप देखते होंगे कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ परंपरागत मुकाबला है। परंपरागत का मतलब मेरा कहने का आशय है कि कांग्रेस और भाजपा और दूसरी पार्टियां ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हैं। कहीं कहीं कस्बों में जो नगर निकाय के जो चुनाव हैं, जहाँ नगर पंचायतें हैं, वहाँ कुछ पार्टियां हैं, जैसे बसपा है कहीं मेन टक्कर में, कहीं सपा है, लेकिन मुख्य रूप से ये मान के चलें कि हम समूचे जनपद में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत सभी में भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर है कई स्थानों पर। हाँ, ये बात सही है कि कस्बों में हमने भी देखा है, वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी भी कहीं नंबर वन पे हैं तो कहीं नंबर दो पे हैं, कहीं तीन पे हैं। अब ये बात अलग है कि नंबर वन पे वो रिजल्ट की बात सामने आए, पर कुल मिलाकर के जो स्थिति बनी है वो बड़ी कसमकस है। चार दिन शेष हैं, लगातार लोग अपनी मानसिकता बदल रहे हैं, अपनी सोच बदल रहे हैं। इसके अलावा जो वोटों का जो एक कहना चाहिए कि किस प्रत्याशी को देना है, उसमें क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, उसका आकलन कर रहे हैं। और लेकिन फाइनल डिसीजन का स्टेज चल रही है। और लेकिन मुद्दे क्या क्या उभर के आ रहे हैं सामने। हाँ, ये बात सही है। खासकर मैं मथुरा नगर निगम की बात करूँगा, यहाँ जो मुद्दे हैं वो जातीयता का जो मुद्दा है वो सबसे ऊपर है। मसलन जैसे यहाँ जो रिजर्व हुई है ये सीट पहली बार, इसमें जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो वाल्मीकि हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी मोहन सिंह जाटव जाति से हैं। सपा के भी तो वाल्मीकि। हाँ, जैसे सपा के भी वाल्मीकि हैं और बसपा के जाटव हैं। इस तरीके की दो जो मेन जो चार प्रत्याशी हैं उनमें दो वाल्मीकि और दो जाटव। तो हम ये बात मान के चलें कि कांग्रेस और भाजपा में जो मुख्य मुकाबला है उसमें कुछ लोग ये जो कट्टरपंथी, कट्टर का मतलब मेरा कहने का मतलब जो लोग एकदम ब्राह्मणवादी या कहना चाहिए मूर्ति पूजा या जो हमारे धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा सा उनमें एक बात ये सामने आ रही है कि हम वाल्मीकि समाज के कैंडिडेट को कैसे वोट दें जबकि वो खुद भाजपा समर्थक हैं। तो चर्चा तो आ रही है कि नोटा पे देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है अंत में वो भाजपा को ही वोट देंगे। वही ठीक है, वो कमल का फूल चुनाव चिन्ह को देखेंगे, कमल के फूल पर वोट लगाएं। लेकिन सवाल एक बात हो रहा है, रही बात कांग्रेस की, तो मैं कांग्रेस के बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल कांग्रेस का जो कैंडिडेट हैं वो पढ़े लिखे हैं और अधिकारी रहे हैं, तो एक मुद्दा ये है। दूसरे ये जो लोकल जिस तरीके की बातें हैं, जैसे कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में बिट्टू ने, जो श्याम चंद्र उपाध्याय बिट्टू ने अपने कार्यकाल में अच्छे कार्य किए थे, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल की थी, हालांकि कम समय मिला था, तो वो भी मुद्दा आ रहा है कि भाई कांग्रेस अगर दोबारा अगर होती है तो इस तरीके की स्थिति बनेगी कि यहाँ विकास होगा और सब चीज़ें समस्याएं समाधान। कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आया अच्छी तरीके से कि कांग्रेस की धुरी माने जाते थे यहाँ पर मथुरा के अंदर, खासकर जिले के अंदर, प्रदीप माथुर और आबेद हुसैन। ये कहा जाता था कि कांग्रेस की धुरी खिलाते हैं ये विधायक, कई बार रहे हमारे प्रदीप माथुर जी, लेकिन इस बार बदकिस्मत से हार गए और कांग्रेस को यहाँ पराजय का मुंह सामना करना पड़ा। लेकिन मेरी जो सुनने में चर्चा, जो सुनने में अफवाह जो सुनने में आई है कि इस बार राज बब्बर जो प्रभारी बने यहाँ पर, यहाँ पे सब कुछ संभाल रखा है, पूरा यूपी का उन्होंने कमान संभाल रखी है, उन्होंने विधायक, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और आबेद हुसैन के पर काट दिए, ऐसी चर्चा है।
मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसी चर्चा है, क्या लगता है आपको? हाँ ये बात सही है, पर कतरने वाली बात सबके सामने है, सोशल मीडिया पे भी चली है, और अब वो उसको बात को छुपाने की भी कोई बात नहीं है, वास्तविकता यही है। हुआ ये था, जैसा कि हमने पता किया और हमने उसको अपने समाचार पत्र में भी छापा डीएलए में, बात ये थी कि जो टिकट मिल रही थी उस टिकट में कुछ सेटिंग का खेल हुआ। सेटिंग का कहने का मतलब कुछ अपने समर्थकों को ज़्यादा टिकट देना चाहते थे, प्रदीप माथुर और आबिद हुसैन जो एक ही गुट के माने जाते हैं। ये बात जो दूसरे गुट के जो लोग हैं, श्याम चंद्र उपाध्याय बिट्टू जो पूर्व चेयरमैन हैं और महेश पाठक वरिष्ठ कांग्रेस के लीडर हैं, उनको ये बात अखरी, और ये बात उन्होंने पता कर ली कि प्रदीप माथुर के जो खास हैं आबिद हुसैन, वो चहेते लोगों को, कम से कम एक दर्जन चहेते लोगों को टिकट दे रहे हैं, और उसके टिकट देने के पीछे भी बहुत सारे कुछ राज हैं, उसे मैं बोलना नहीं चाहूँगा। तो इसकी जो रिपोर्ट बनाई गई और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राज बब्बर, उन तक ले जाई गई। राज बब्बर ने इसको देखा और उनकी बात पर विश्वास किया। रात और रात आबिद हुसैन सुना के बड़ी क्लास भी लगाई उनकी। यस, आबिद हुसैन और जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं सोहन सिंह सिसोदिया, उन दोनों लोगों को वो पर्दे के पीछे कर दिया। कहने का मेरा मतलब, जो टिकट मिलनी थी वो जिला अध्यक्ष के दस्तखत से मिलनी थी, ये महानगर नहीं है अभी उनके संगठन दृष्टि से। तो जो टिकट पर जो हस्ताक्षर होने थे वो सोहन सिंह सिसोदिया के होने थे, तो सोहन सिंह सिसोदिया को हटा करके चक्रेश्वर अशोक चक्रेश्वर सिंह को काम सौंपा गया, और उन्हीं के दस्तखत से टिकट जारी हुई। तो ये बात प्रदीप माथुर गुट को अखरी और अखरना भी स्वाभाविक है, और इससे जो है थोड़ा सा उनके अंदर एक असंतुष्ट का भाव रहा। अब वो एक बात अलग है कि सार्वजनिक तौर पर प्रदीप माथुर नहीं कहते हैं, और वैसे देखा जाए तो अब चुनाव में कई जगह हमने अभी भी देखा है तीनों लोगों के फोटो हैं, महेश पाठक, श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू और प्रदीप माथुर, क्योंकि हाईकमान नहीं चाहता कि इनमें आपस में फूट और दिखे, उसका कोई गलत संदेश जाए, अभी तक तो वो एक है। चलिए, ये तो बात हुई कांग्रेस की, जो अंदर खाने हमें खबर सुनने को मिल रही थी, वो जो चीज़ें थी आपने बता भी दी, उसको स्पष्ट भी किया, और जैसा कि चल रहा है सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। अब मैं बात करता हूँ भाजपा की बात एक कहने में आ रही है कि आपने ये टिकट थी, अच्छा ठीक है, आरक्षित सीट थी ये, तो क्या इसके लिए प्रबल दावेदार अजय कुमार पहुँचे नहीं थे? क्या इसके लिए दावेदार श्याम सिंह अहिरे नहीं थे? तो टिकट इनको क्यों दी गई, उसके पीछे राज क्या है? ये सारी बातें जो निकल कर आ रही हैं, ये क्या पूरा मामला क्या है? और जबकि आप जानते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से अगर आप बात करूं अपने, तो अजय कुमार पोहिया बड़े प्रबल दावेदार के रूप में माने जा रहे थे, लगभग घोषणा सी सोशल मीडिया पर भी और व्हाट्सएप पर भी तैर रही थी कि वो जीतेंगे, और व्यक्तिगत रूप से उनका व्यवहार बहुत अच्छा है और लोगों के बीच में उनकी खासी पकड़ है, दो बार विधायक भी रहे हैं। श्याम सिंह अहिरे भी अच्छी खासी अपनी पकड़ रखते हैं यहाँ पर। लोगों में चर्चा है कि अगर अजय कुमार पोहिया को खड़ा किया जाता तो ये भाजपा का जो चुनाव है, ये जो नगर निगम का चुनाव है, वो इस तरफ होने दिलाता। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा सवाल भी है, और ये सवाल जो है क्यों नहीं दीजिए, काहे बगाहे हर जुबान पे आ रहा है, भाजपा वाली चर्चा कर रहे हैं अभी भी, और जिस दिन तक वोटिंग होगी उस दिन तक ये सवाल लोगों में घूमेगा। बात दरअसल ये है कि यहाँ जो बीजेपी में जो तीन लीडर हैं दलित, जिसमें अजय कुमार पोहिया पूर्व विधायक, श्याम सिंह अहिरिया पूर्व विधायक, ये दोनों गोवर्धन से पूर्व विधायक रह चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि लगभग दो दशक से भाजपा में हैं, भाजपा के निष्ठावान लोग हैं, इनका स्वाभाविक है कि इनकी दावेदारी थी। तीसरे हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए इससे पहले पूरन प्रकाश भी भाजपा में आ गए, वो अपने बेटे के लिए चाहते थे, तो तीनों लोगों में टिकट के लिए संघर्ष हुआ, और इनको न देकर के चौथे कैंडिडेट को दे दिया, जिनका के मैं समझता हूँ जनता में ज़्यादा कुछ सेवाएं नहीं है, भाजपा में भी संगठन तो कोई ज़्यादा सेवा नहीं है, जिनका नाम है मुकेश आर्य बंधु। तो अब इसमें बात ये आ रही है, ये बात सही है और इसके में सच्चाई भी हो सकती है कि जो हमारे मंत्री जी हैं श्रीकांत शर्मा, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि क्योंकि ये लोग पुराने भाजपा ही हैं, तो पुराने भाजपा ही हैं, तो वो स्वाभाविक है कि जब मेयर बनेंगे तो हो सकता है उनके ग्रिप में न रहे नए कार्यकर्ता को टिकट चलाएंगे, विधायक रहे हैं और बिल्कुल, तो नए जो मेयर बनेगा वो अपने ग्रिप में रहें, अपने कॉन्फिडेंस में रहें, हो सकता है इस एंगल से उनको मुकेश आर्य बंधु को टिकट दिलवा के लाए हों। अब देखिए, इतना तो है ही
के जो ऊर्जा मंत्री हैं प्रदेश के, आज की स्थिति में बहुत ही राजनीतिक मजबूत स्थिति है उनकी, न केवल जिले में बल्कि लखनऊ में, तो वो टिकट ला सकते हैं और इसमें कुछ न कुछ सच्चाई है। अच्छा, और बल्कि मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, बात चल रही है तो कि लोगों में जो असंतोष है थोड़ा बहुत भाजपा में, उसकी वजह यही है कि भाई हम पिछले 25 साल से सेवा कर रहे थे पार्टी की और तो हमको टिकट नहीं मिली। नहीं, ये भी बात सुनने में आई थी, पैराशूट की तरह श्रीकांत जी आ गए। हाँ, हालांकि श्रीकांत जी में मादा है, उनके अंदर एक काबिलियत है और राष्ट्रीय राष्ट्रीय उनका कद भी है, वो लेके आए, तो ये तो राजनीति में चलता है, भाग्य का खेल है। बात ये भी थी कि विधानसभा चुनावों में जब पोहिया जी नाराज हुए अपने बेटे को उतारा उन्होंने, तो तमाम सांसदों को मनाने के लिए आए थे, उन्होंने वादा भी किया था उनसे, ये जैसा कि भाजपा ही ने बताया बड़े पुष्ट सूत्रों के साथ, उन्होंने कहा कि अगली बार जब चुनाव होंगे नगर निगम के, हम आपको पूरा मौका देंगे, और उस बात पर वो आश्वस्त हुए और पुनः अपने एक नए संचार के साथ वो लग गए, और अचानक उनसे धोखा हो गया। तो ये सिंपैथी भाजपाइयों की क्या अजय कुमार पुहिया के साथ नहीं है? अभी भी है पुहिया के साथ, तो उसका असर क्या मोहन सिंह आशीष पर नहीं पड़ेगा? इस बात को लोग कहते हैं भाजपा में कि बहुत ही सरल चुनाव हो जाता अगर पुहिया को टिकट मिल जाती, क्योंकि पुहिया देखिए पढ़े लिखे हैं, दलित हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, और मैं समझता हूँ कि वो जो अच्छे से अच्छे जो डीएम हैं, हम देखते हैं उनको पिछले 15-20 वर्ष से, उसको झुकाते हैं, गलत काम के लिए वो अधिकारी उनकी बात को मानने के लिए मजबूर होता है, तो और वो मेयर का बहुत अच्छे कैंडिडेट साबित होते हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसी चीज़ों में ये जातिगत रहेगा चुनाव, मेयर का या पार्टी का? हाँ, यही तो बात है ना कि अब जातिवाद, इसीलिए इन्हीं फैक्टरों की वजह से चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बजाय जातवाद पर टिक गया, यानी वाल्मीकि और जाटव पर। मैं ये पूरी तरीके से तो नहीं कह सकता कि समूचे नगर निगम क्षेत्र में जातवाद पर टिका हो, ऐसा नहीं है। कुछ एरियाज में जहां हमारे जो ऐसे लोग रहते हैं जो धर्म के प्रति ज़्यादा आसक्त हैं, और वो कुछ थोड़ा सा कहना चाहिए उनकी मानसिकता छुआछूत की भी हो सकती है, कुछ जातवाद की भी हो सकती है, तो वो थोड़ा सा ये है ना कि अब दबी कुचली कौम है वाल्मीकि, तो कुछ थोड़ा सा एक दूरी बना करके एक सोच उनकी दूरी बनाने की हो, ये हो सकता है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। खासकर जो अंदर के मथुरा में और अंदर के जो वृंदावन में कुछ इस तरीके की सोच वाले लोग मौजूद, क्योंकि ये धर्म की नगरी है, धर्म की नगरी क्योंकि हमारी तो ये भी दिए जा रहे हैं कि अगर मुकेश आर्यबंधु जीत जाते हैं और मेयर हो जाते हैं तो लाजमी है कि उनको सभी लोग बुलाएंगे, क्योंकि नगर पिता का दर्जा होता है, धार्मिक आयोजन यहाँ 50% होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो सब धार्मिक आयोजनों में किस तरीके से, लेकिन जातिगतता हावी रहती है। यस, जो जातिगतता है वो हावी रहती है। हम हेमंत जी इसको नहीं चाहते कि जातिवाद वाली बात को ज्यादा हम कहें, और हम कोई जातिवाद नहीं फैला रहे, लेकिन जो चीजें चर्चाओं में जो लोग करते हैं वो चर्चा की बात आपके सामने, क्योंकि मेरा अपना कोई व्यक्तिगत यहाँ मत नहीं है, जो हमेशा सामने आ रही है, जो कानों में आ रही है वो उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा कोई हमें आहत करने का हमारा कोई विचार नहीं है। लेकिन एक चीज और एक नई चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, बात रही मथुरा वृंदावन के परसीमन की, मथुरा वृंदावन के, अगर वृंदावन की बात करें तो मैं आपको आपके संज्ञा में लाना चाहूंगा, शायद आपके मामले का आपका पता भी होगा कि आधा वृंदावन देहात में चला गया और आधा वृंदावन शहर में चढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो परसीमन का आधा कह रहा है, इस्कॉन मंदिर है, उस्कॉन मंदिर के बगल में जो है देखिए रास्ता परिक्रमा मार्ग, परिक्रमा मार्ग दो जगह बैठ गए, वहां एक तरफ जो है एक तरफा अगर आप परिक्रमा मार्ग में जाएंगे तो एक दीवार जो है नगर पंचायत में चली गई और एक दीवार में शहर में चली गई। ये बिल्कुल मामला क्या है, ये क्या? दरअसल हेमंत जी, मैं अभी दो दिन पहले नंदनमन जो कन्हैया चित्रकार जी का आवास है, तो उनके जो बेटे हैं पद्मश्री कृष्णा चित्रकार मेरे मित्र हैं, उनके पास बैठा हुआ था, तो ये बात सामने आई, मुझे भी नहीं मालूम था कि कहाँ तक है, इतना तो मुझे मालूम था कि वृंदावन से सटे हुए गाँव नगर निगम में नहीं लिए गए, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम तो शिखरवार जी यहाँ जो बैठे हुए हैं गांव के हैं, हमने कहा कैसे, बोले हम तो गांव पंचायत में सुनरक गांव पंचायत में आते हैं, हमारे तो प्रधान होते हैं, तो मैंने बड़ा आश्चर्य बताया, तो उन्होंने ही जो बातें बताई, बाद में मैंने जब देखा उसके जो सूची है जो परिसीमन वाली, तो पता चला कि जो इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन मंदिर से इधर का जो हिस्सा है छठी ग्रह तक, इधर सुनरक तक, इधर जो है
कैलाश नगर तक रुकुणी बिहार, चेतन बिहार से लेकर के आप जो है वैष्णो देवी मंदिर तक सारा जो नया वृंदावन है जो हमारी आंखों के सामने बना है, मठ मंदिर आश्रम गेस्ट हाउस गौशाला जो नए नए दिखते हैं, प्रेम मंदिर सब कुछ सोनर ग्राम पंचायत में है, वृंदावन बांगर ग्राम पंचायत जबकि नगर पालिका में था और बाहर के कार्य भी कर रहे हैं, राजपुर में है, ये तीन पंचायतों ने घिर रखा है। तो कहने का मेरा आशय एक मोटे तौर पे ये मान के चला जाए कि वृंदावन का एक तिहाई हिस्सा अभी भी ग्राम पंचायत में है, वहाँ प्रधान चुने जाते हैं। अब वो लोग टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं कि भाई हमारे पास कैंडिडेट नहीं आ रहा है, हम भी अपनी बात को रखते, हमारा भी मेयर होता और हम शहर में रह रहे हैं। तो ये बड़ा एक तो ये बड़े साजिश के साथ उन गांवों को नहीं लिया गया, नंबर एक। दूसरी बात, अब आया शहर मथुरा, क्योंकि मथुरा वृंदावन दोनों नगर निगम एक ही है। अब मथुरा में आप होली गेट से लेकर के मुड़ेसी तक 18 किलोमीटर का हिस्सा, 18 किलोमीटर यानी दूर गांव है, वो नगर निगम में आ गया है। कहने का आशय यह है कि वो जो ग्रामीण है वो शहरी हो गए और उन लोगों तो शहरी थे वो ग्रामीण हो गए, वो काफी वृंदावन किया उन्होंने, ग्रामीण हो गए वृंदावन में। जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी ग्राम प्रधान है, मैं समझता हूँ 31 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं, उनमें से ज्यादातर ग्राम प्रधानों ने विरोध किया कि भाई हमारा गांव शहर से 10 किलोमीटर आ गया, हमको क्यों शामिल कर रहे हो, लेकिन नहीं, वो जबरदस्ती उनको शामिल किया गया। और क्यों, उसकी एक पॉपुलेशन, उसकी एक भौगोलिक स्थिति, उसका जो सीमांकन इस तरीके से किया गया कि जिससे नगर निगम के मानकों में आ जाए। तो यानी ये माना जाए कि इसको जबरन नगर निगम बना दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल जगह देखिए, मैं अब आपको फिर प्रदीप माथुर की चर्चा करूंगा। बिल्कुल, हुआ क्या था, एक मिनट लेना चाहूंगा। बिल्कुल, शुरुआत में ये किसी व्यक्ति ने, एक भी मथुरा के व्यक्ति ने, एक भी वृंदावन के किसी व्यक्ति ने एक ज्ञापन नहीं दिया, एक आंदोलन नहीं किया, एक रत्ती भर भी कभी किसी ने मांग नहीं रखी और न किसी के ध्यान में थी कि मथुरा नगर निगम बने, किसी के समझ में नहीं आया। जो हमारे विधायक जी थे प्रदीप माथुर जी, उन्होंने सोचा होगा कि आने वाले जो 2017 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें मुझे लाभ मिलेगा, मैं नगर निगम बना देता हूँ तो मुझे बड़ी वाहवाही मिलेगी। तो उन्होंने जो है ये एक सिपू का छोड़ा जिसको फिर वो लगे, और पिछली सरकार में उन्होंने जो है ये कराया। तो मैंने पूछा भी था, मैंने कि जनता ने तो कोई मांग की नहीं, नगर निगम से क्या मतलब है, और विकास के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, जितना पैसा आबादी के अनुसार मिलता है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, एक जो सिस्टम बना हुआ है उसके एक निश्चित अनुपात में पैसा ऑटोमेटिकली आता है, आबादी के अनुसार आता है। आबादी में भी ये देखा जाता है कि वो शेड्यूल कास्ट की जहाँ आबादी ज्यादा वहाँ ज्यादा पैसा आता है, ये एक प्रक्रिया है। अब रही बात के साथ, नगर निगम में ज्यादा पैसा आएगा, नगर निगम का ज्यादा एरिया हुआ तो ज्यादा पैसा आएगा। अब आपको मैं एक छोटे सा उदाहरण बता रहा हूँ, सैफई इटावा के पास गांव है, बिल्कुल मैंने खुद देखा है वहां जाकर के, वो एक छोटा सा मंदिरा था, छोटा सा मंदिरा करहल से लगा हुआ, बिल्कुल बॉर्डर का गांव है इटावा, वहाँ जो है तहसील बन गई, इतना पैसा आया तो वहाँ कैसे आ गया, मानकों पे नहीं था तो तब भी आ गया, सब अपनी चलाए। ठीक, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि नगर निगम न होते हुए भी मायावती के शासन में 350 करोड़ रुपए आ गया और पैसा लगा और वृंदावन में बहुत कुछ कार्य हुए। तो कहने का मेरा आशय है कि नगर निगम जिसमें वो इलाका भी शामिल है जो आज ग्रामीण क्षेत्र में है। तो कहने का मेरा आशय यह है कि ये सब केवल एक वेबकूक भी बनाने की बात है और ये एक केवल एक नेताओं के भाषण देने की बात होती है कि नगर निगम बन गया तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा नहीं आता है, ज्यादा पैसा अपने एफर्ट से आता है। मैं अगर किसी गांव पंचायत का प्रधान हूँ तो मैं अपने यहाँ पैसा ला सकता हूँ। और देखिए संयोग ये भी है कि मैं प्रधान रहा हूँ, मेरी वाइफ प्रधान रही है 2000 में, चलिए 5 वर्ष, तो मैंने अपने गाँव में बलदेव के पास हथकोली गाँव में मेरा मैंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लगाया था, जिस वक्त बिल्कुल पैसा नहीं होता था, क्योंकि मैं अमर उजाला का ब्यूरो चीफ था तो मेरे जो कहने पे पैसा मिलता था और तमाम सांसदों की राज्यसभा के मेंबर की उसमें निधि लगी हुई थी, पुस्तकालय, और मैंने तीन तो मैंने जो है सामुदायिक केंद्र बनवा दिए थे वहाँ पर, अच्छा। पंचायत घर बनवा दिए, स्कूल बनवा दिया, कई किलोमीटर सड़क बनवा दी, मेरे जो गाँव के मजरे हैं वहाँ तक चमन हो गया, मेरे क्षेत्र के लोग जो है तारीफ करने लगे थे। तो कहने का मेरा आशय ये नहीं है कि मैं अपने गांव की चर्चा करूं, लगभग ये है कि अगर नगर निगम बनने का मतलब ज्यादा पैसा आना नहीं है, नगर निगम बनने का मतलब ज्यादा एरिया ज्यादा पैसा आएगा। अरे ये तो अपने संबंधों के आधार पर, जब मंत्री जी हैं तो ज्यादा पैसा ले आते नगर पालिका के लिए, तो ये बहुत गड़बड़ हुई है। वृंदावन का एक तिहाई लोग आज जो है एक तरीके से कहना चाहिए रो रहा है, वो दुखी है कि हम ग्राम पंचायत में हम वोट नहीं डाल सकते और जहाँ लोगों की इच्छा नहीं है वहाँ वोट डालना है,
जैसे मुड़ेसी तक जो जो एरिया ले लिया गया, ये सब पर्सी में जो गड़बड़ हुआ है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि वृंदावन का जो बाहर का हिस्सा है, वहाँ ज़मीनों की कीमत ज़्यादा है। वहाँ बहुत सारे लोग जो ज़मीनों का कारोबार करते हैं, जिनको दूसरे शब्दों में घूमा फिर भी बोल सकते हैं, इसकी भी पता लगाई जाए कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है टैक्स वगैरह बहुत भारी गड़बड़ है, बचाने के लिए उनको जो है। ये परिसीमन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस सरकार ने की कि पिछली सरकार सब जांच होनी चाहिए। ये ग्राम पंचायत की जमीन तक हस्तांतरित कर दी गई, ऐसे मामले आमने आए, जांच चल रही है, बहुत सारी ऐसी करवाई है। वृंदावन में सिंचाई विभाग की पूरी की पूरी जो एक वो थी रजवाहा, वो दाब लिया, वहाँ कोठी बनी खड़ी है, कोठी बनी खड़ी है। मथुरा में भी है ऐसी जगह, ऐसी बात नहीं, मथुरा में भी है। अगर हम आपके सामने बहुत जल्दी लाएंगे तो, लेकिन चुनावी चर्चा है इस वजह से हम आपकी जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि चुनाव का मामला चल रहा है। एक चीज और जानना चाहूंगा कि अब बात करते हैं आचार संहिता के उल्लंघन की, उल्लंघन की शिकायत तो आप मैं जैसे शिकायत ये रही निर्दलीय प्रत्याशी सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं इसके, जो छोटे दलों के भी हैं और जो निर्दलीय खड़े हुए हैं वो शिकार हुए हैं कि उनके साथ बहुत जाति की जा रही है, उनके पोस्टर बैनर फाड़े जा रहे हैं, और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं जो खड़े हुए हैं या उनका समर्थन प्राप्त है उनको ज्यादा वरीयता दी जा रही है। पूरा मामला क्या है, क्या आपके संज्ञान में आया कुछ ही मामला? जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं एक उदाहरण के तौर पर वार्ड संख्या 53 के बारे में बताऊंगा। ये बालाजीपुरम वाला वार्ड है, यहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी राकेश ठेनुआ, अभी राकेश ठेनुआ का प्रचार ठीक ठाक चल रहा था, कहीं कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहे, पर शाम को मंत्री जी का कार्यक्रम था, वहाँ जनसंपर्क के लिए आ रहे होंगे अपनी पार्टी के, तो प्रशासन ने आते ही उनके आने से कुछ देर पहले ही जितने भी होर्डिंग्स थे वो सब उखाड़ दिए, बैनर फाड़ दिए, इसके अलावा जो जहाँ जहाँ उनके पोस्टर लगे हुए थे वो उखाड़ दिए। तो लोगों ने कहा कि भाई इन्होंने तो कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया, ये तो अपना वोट मांग रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर देने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं। तो कहने का मेरा आशा ये है कि इस तरीके की घटनाएं, भाई मंत्री जी आए ठीक है, मंत्री जी आएंगे अपने कहीं मंत्री देखना दे, तो इसका मतलब ये है कि मंत्री जी के कहने पर चल रहा है, टेढ़ी हो जाएगी। तो ये अधिकारियों को ये सोचना चाहिए, या तो आप सभी के बैनर पोस्टर उखाड़े, जितने शहर में आप बैनर पोस्टर होर्डिंग देख रहे हैं सभी ने अनुमति नहीं ली है, और मैं समझता हूँ 10% लोग ही अनुमति लेकर के हैं, लेकिन इस तरह की जाति हो रही है। लेकिन निर्दलियों पर तो बहुत ज्यादा चीजें लागू की जा रही है, आप 1000 पोस्टर लगा सकते हैं दीवारों पर, और तमाम ऐसी चीजें हैं उन पर बाध्यता लागू की गई है, और पार्टी के लोगों पर नहीं, पार्टी के लोगों पर नहीं, और खासकर सत्ताधारी पार्टी के लोग जो खूब उल्लंघन कर रहे हैं। कल हमारे जानकारी में एक आया कि एक कैंडिडेट को धमकी दी गई है, भाजपा के कैंडिडेट ने धमकी दी निर्दलीय को कि आप बैठ जाओ नहीं तो हम छोड़ेंगे। अच्छा, एक जगह से और आया, ये आप पता लगा सकते हैं पुलिस में इन्फॉर्मेशन पता करिए, और कई जगह उसमें तहरीर दी गई है, इस तरीके की घटना है, ये ठीक नहीं है। मेरा तो केवल इतना कहना है आपसे, और आप जो बात कर रहे हैं आचार संहिता की, अब मैं अगर बात करूं तो ये तो लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, जहां सत्ताधारी पार्टी होती है हमेशा उसका जोर तो रहता है। बड़ा हम चर्चा करते हैं चुनावी चर्चाओं की, लेकिन आपसे हम कहना चाहेंगे, आप मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बस मतदाताओं से तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने वोट का प्रयोग करिए, आपको संविधान में अधिकार मिला हुआ है, आप निष्पक्षता के साथ अपना वोट करिए, किसी के दबाव में मत आइए, और मैं समझता हूँ कि अच्छा मेयर चुनिए, अपनी भावनाओं को उसके जरिए से व्यक्त करिए, जिससे कि हमारा जो मेयर हैं, हमारा जो नया बोर्ड बनेगा वो हमारे विकास के लिए कार्य करे, और चुनाव के बाद जब बोर्ड बन जाए तो आप उसको इतना बाध्य करिए अपने जनप्रतिनिधि को, अपने पार्षद को, वो आपकी जनता आपके जो उम्मीदों पर खरा उतरे उसे आप उसे जो कहना चाहिए उसे तलब करिए, और उसको एक जिम्मेदारी जो आपने दी है उसका वो निर्वहन करें, यही हमारा संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। और अक्सर वैसे तो ये बहुत फेस टू फेस का चुनाव है, इसमें वोटिंग परसेंटेज लोकसभा विधानसभा से ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी हम तो यही अपील करेंगे, आह्वान करेंगे कि आप लोग सभी वोट देने के लिए निकलें, और ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज हो, यही हमारी आप लोगों से कामना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि वोट जरूर दें, भले ही आप क्या सोच रखते हैं, किस तरीके का मेयर चाहते हैं, किस तरीके का अपना क्षेत्र का पार्षद चाहते हैं, कि अपनी अलग एक सोच होती है हर व्यक्ति की, और सोच के साथ व्यक्ति मतदान करने भी निकलता है। बहुत से कुंठित भी हो जाते हैं कि नहीं सब भ्रष्ट हैं या सब ऐसे ही हैं, ऐसा कोई सोच नहीं, लेकिन वोट का अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। हमारे साथ चुनावी चर्चा में थे CP सिकरवार जी, हमारे वरिष्ठ
पत्रकार भी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हमारे मंच न्यूज़ के, तो हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की, और इन चर्चा पर चर्चा हमेशा जारी रहेगी जब तक कि चुनाव चलते रहेंगे। कल भी हम बातचीत करेंगे कुछ और नए मुद्दों को लेकर जो चुनाव से संबंधित हैं, तो आप देखते रहिए मंच न्यूज़।